तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के स्कैमेटिक्स मोड के बारे में। तो इस मोड की हेल्प से आप बड़े बड़े बिल्ड्स को मूव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिल्ड को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, इवन आप अपने बिल्ड्स को सेव करके भी रख सकते हैं। तो यप, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, वो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि इस मोड को भी इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्रोसेस रहता है। तो यप, आप देख सकते हैं कि मैंने छोटा सा बिल्ड बनाया है, इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे स्कैमेटिक्स की मदद से। सिंपली स्कैमेटिक्स को ओपन करने के लिए एम दबाए, एंड एम दबाने पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो सिंपली लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में हमें टूल मोड दिख रहा है, तो उसको हम एरिया सिलेक्शन पे ले जाएंगे। अब हम एरिया सिलेक्ट करने वाले हैं, तो एरिया सिलेक्ट कहाँ से करें, इसलिए मैंने दो ग्लास प्लेस कर दिए है एरिया के दो करस्पॉन्डिंग डायगोनल्स पे, एंड हम स्टिक से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिंपली स्टिक लेनी है एंड ऊपर वाले ग्लास पे राइट क्लिक करना है, नीचे वाले ग्लास पे लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपका एरिया सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एरिया सिलेक्ट हो चुका है, तो इसे सेव करने के लिए फिर से एम दबाएंगे एंड एरिया एडिट पे जाके इसे एक प्यारा सा नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सब्सक्राइब। नाम देने के बाद सिंपली आपको सेट के बटन पे क्लिक करना है एंड सेव स्कैमेटिक पे क्लिक कर देना है। फिर से सेव करेंगे तो आपके सभी स्कैमेटिक यहाँ पे शो होने लगेंगे। ओके, तो स्कैमेटिक्स तो सेव हो गई, तो इसे लोड कैसे करें। सिंपली आपको एम दबाना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा लोड स्कैमेटिक्स, एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सेव हुए स्कैमेटिक्स दिखने लगेंगे, तो एक हाथ सिलेक्ट करके उसे लोड कर देना है। ये करने के बाद ये देखो आपका स्कैमेटिक्स वर्ल्ड में लोड हो चुका है, बट ये अभी आत्मा के रूप में, मतलब इसमें देखो कि एक्चुअल ये ब्लॉक नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। ये देखो ये एक्चुअल ब्लॉक है, एंड मैं इसके अंदर जाऊंगा तो आर पार घुस जाऊंगा, तो ये एक ढांचा सा बन गया है। तो इसे एक्चुअल ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली एम दबाएंगे एंड नीचे टूल मोड में आपको दिख रहा होगा पेस्ट स्कीमेटिक्स, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्फिगर मेन्यू में चले जाना है एंड हॉट कीज़ में चले जाना है। हॉट कीज़ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को आप कोई सभी की दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे F12 दे दिया है। F12 देने के बाद आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद आपको हाथ में अपने स्टिक ले लेनी है एंड आपने जो की सिलेक्ट किया था उसे प्रेस कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड में अपने एक्चुअल ब्लॉक का स्कैमेटिक्स यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग तो कर दी, बट यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है, तो सिंपली एम दबाना है। इसके लिए लोडेड स्कैमेटिक्स मोड में जाना है एंड इसको हम सब्सक्राइब, यहाँ पे अभी भी लोड है तो इसको हम अनलोड कर देंगे। अनलोड करने के बाद बैक के बटन पर क्लिक करना है एंड बूम, आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन जा चुकी है, तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो फिर भाई यही था स्कैमेटिक्स का बेसिक्स। तो आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना डिटेल, मैं वीडियो बना दूंगा, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे पता है कि मेरा वॉइस ओवर अच्छा नहीं गया है, तो उसके लिए सॉरी।